शक्ति फार्म टैगोर नगर मंदिर परिसर पोषण अभियान के अंतर्गत दो दिवसीय टाइथन कार्यशाला आयोजित की गई। उक्त कार्यशाला में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को खिलौना बनाने का प्रशिक्षण गंगा स्वयं सहायता समूह झनकट खटीमा द्वारा दिया गया। खिलौने के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पढ़ाई जाने हेतु उक्त प्रशिक्षण दिया गया। हमें खिलौने बनाने की प्रशिक्षण दी जा रही है, आज इसका दूसरा दिन है। हमने इसमें एक दो चीज़ें सीखी हैं, एक तो खरगोश बनाना, एक टेरी बेयर बनाना। और इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि हम सभी आंगनबाड़ी वर्कर जो अपना आंगनबाड़ी केंद्र चलाते हैं वहाँ बच्चों को सिखा सकते हैं, ये बना के उनके साथ हम दिखा सकते हैं, ताकि बच्चे भी हमसे कुछ सीखे और पढ़ाई भी इसके माध्यम से हम करवा सकते हैं बच्चों को। खिलौना के माध्यम से हम समझा भी सकते हैं कि इस खिलौना का नाम क्या है और ये खिलौना से ये मतलब कैसे खेले, कैसे बनाए। हम आंगनबाड़ी में इनका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं और बच्चों को इसकी इसी के माध्यम से सिखा सकते हैं। गुरुग्राम आंगनबाड़ी केंद्र गुरुग्राम फोर्ट, मेरा नाम श्रीमती शर्मिला चिंता पात्र है। इसका उद्देश्य आज आज शक्ति फार्म टैगोर नगर में दो दिवसीय खिलौने का प्रशिक्षण हुआ, आज समापन दिन है। इसके माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने बच्चों को खिलौने के माध्यम से शिक्षा सिखा सकें और बच्चों को खिलौने के माध्यम से ही शिक्षा लाभप्रद हो सके। मेरा नाम प्रभा दास, सुपरवाइजर बाल विकास परियोजना सितारगंज।